हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। जैसा मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, ज्योग्राफी की में, भूगोल की में, आज से आपकी 9th क्लास की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर के प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ते चलेंगे। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए, और वो भी फर्स्ट चैप्टर में ही है, ठीक है। आज हम सीधे, पहले मैं बता देता हूँ, डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, और अपने लोकतंत्र का और आसपास के देशों के लोकतंत्र के बारे में उसके कंपेयर करके चलेंगे। क्या लोकतंत्र जो एक नाम का ही रह गया है चीन के अंदर या रूस के अंदर, ठीक है, जो अपने आप को एक लोकतंत्र देश ठहराते हैं, क्या वो लोकतंत्र देश है? लोकतंत्र का असली मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। लोकतंत्र का मतलब है लोगों के शासन, मतलब लोगों के द्वारा चुना गया, ठीक है। आप किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हो और आपकी मांगों को, जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है। वो लोगों के द्वारा जो बनाए जाते प्रतिनिधि आगे चलकर बहुमत से सरकार बनाते हैं, वही एक लोकतंत्र और लोकतंत्र होता है। असली पूछे तो लोकतंत्र यही है जो हमारे भारत के अंदर है। बाहर देशों में कैसा है, विदेशों में कैसा है, रूस में कैसा है, या बाहर देशों में किस, या राजतंत्र के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ, और थोड़ा सा गहराई से चलेंगे, क्योंकि राजतंत्र वाले देश मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ के रोल कैसे हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और तो शुरू करते हैं, अपना चैप्टर फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में जानेंगे हम, लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, ठीक है। एक मिनट रुके, एक कैसे चल रहा। हाँ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लक्षण, लोकतंत्र के विरोध में तर्क क्या होंगे और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगे। आज आप लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक के इन दोनों में फर्क जान जाओगे इस चैप्टर के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों नहीं आए, क्वेश्चन कम से कम 18 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार है, आपको पता है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्र में कई खामियां होने के बावजूद अधिक से अधिक देशों ने इस शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है, ठीक है, और सब तो बस अपने रूल चलाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक से अधिक लोगों को पसंद आई हुई है। नाउ इस वर्तमान समय की बात हुई है। इस अध्याय में आप लोकतंत्र की परिभाषा, उसके लक्षणों और उसके गुण दोषों के बारे में पढ़ेंगे, क्या दोष है, क्या गुण है, क्या फायदे हैं, सारी चीजें हम जानेंगे। लोकतंत्र क्या है, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासकों को लोगों द्वारा चुना जाता है, शासक कौन, प्रतिनिधि जो होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, या आपका एक प्राइम मिनिस्टर चुनकर खड़ा होता है, ठीक है, वो लोकतंत्र है, ठीक है, लोगों के द्वारा चुनी गई। इसे समझने के लिए म्यांमार का एक उदाहरण लेते हैं, जो कि बेस्ट इंपोर्टेंट मैंने एग्जांपल दिया है। अभी हाल ही में, थोड़े दिन पहले की बात है, हाल ही में म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करके सत्ता अपनी, अब सेना की बात हो रही है, यहाँ इंपोर्टेंट देख लेना, सेना की सरकार चल रही है वहां, तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली है। किसने, सेना ने, म्यांमार की ने, क्योंकि सेना को वहां की जनता ने चुनकर शासन करने नहीं भेजा है, उन्होंने तो अपने प्रतिनिधि चुने थे लोकतंत्र के द्वारा, इसलिए म्यांमार में लोकतंत्र नहीं है फिलहाल। इसी तरह से सऊदी अरब के उदाहरण देखते हैं, जहां राजा का शासन, राजतंत्र, राजा का शासन वंश के अनुसार, उस राजा को किसी ने चुना नहीं है, बल्कि वह तो राज परिवार में जन्म लेने के कारण राजा बनने का अधिकार रखता है, जैसे मैंने पहले बताया है। इसलिए सऊदी अरब कहे ना, हबीबी, लोकतंत्र नहीं है वो, ठीक है, वो देश। अब अरस्तु ने कितनी गहरी बात की, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट ये डाला है कि कई लोगों के शासन को लोकतंत्र कहते हैं, कई लोग मिलकर जो शासन करते उसको लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के शासन को राजशाही कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और एक व्यक्ति के शासन को तानाशाही कहा जाता है, तानाशाही, जैसे कि ब्राजील का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और लोकतांत्रिक शासन में सरकार चलाने वाली विधायिका को चुनने का अधिकार लोगों के पास होता है। सबसे पहले ग्रीस के शहरों की शासन व्यवस्था के लिए इस शब्द का इस्तेमाल 5वीं सदी में हुआ था। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस शब्द का सबसे पहले किस देश में हुआ था, ये आपके सामने इंपोर्टेंट है, आप निशान लगा लेना या आप नोट कर लेना, ठीक है। लोकतंत्र के लक्षण क्या है, आखिरी फैसले लेने का अधिकार उनके पास होता है, जिन्हें जनता चुनती है, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष,
और भयमुक्त चुनाव का होना जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, निष्पक्ष और भयमुक्त होते हैं बिल्कुल। चुनाव में सत्ता दल के हारने की ठीक ठाक संभावना होनी चाहिए। भारत में समय समय पर चुनाव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपको पता है, हर 5 वर्ष में। और चुनाव के बाद सरकारें भी बदल जाती है, पहले कांग्रेस थी अब बीजेपी है ऐसे। लेकिन चीन और रूस में चुनाव होने के बावजूद भी एक पार्टी का शासन रहता है, वहां किस प्रकार का लोकतंत्र है? ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत में लोकतंत्र फल फूल रहा है, जबकि चीन और रूस में लोकतंत्र महज एक दिखावा है। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ में आ गई होंगी। हर वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना जरूरी है और होना चाहिए, हर वोट का मान सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र सरकार उन नियमों के तहत काम करती जो संविधान द्वारा बनाए गए हैं, जिनसे नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है, लोकतंत्र के विरोध में तर्क क्या होंगे? एग्रीमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, कौन कौन से तर्क रख सकते हैं? जैसे कि नेतृत्व बदलने से अस्थिरता का खतरा रहता है। ठीक है, अगर आप नेतृत्व बदलते हो, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का खेल होता है, ऐसे में नैतिकता का अपेक्षा करने की ही बेईमानी हो जाती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, लोकतंत्र में कई लोगों की सहमति लेनी होती है, इसलिए निर्णय लेने में बहुत समय लग जाता है। अब लोकतंत्र ऐसा तो नहीं है किसी राजा ने, राजतंत्र तो है नहीं, किसी राजा ने कर दिया डिस्कशन, कोई भी फैसला लेना था राजा के द्वारा ले दिया, बात करते हैं। लोकतंत्र ऐसा है कि समूह बैठते हैं, उसमें डिस्कशन होता है और लोगों पहले सोच जाता है कि लोगों के लिए फायदा है या नहीं इस चीज को लेकर के। ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधि इस बात से अनिभज्ञ हो सकते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, इसलिए कई बार लोकतंत्र में गलत फैसले भी लिए जाते हैं जल्दी जल्दी में। लोकतंत्र में चुनाव प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार का जन्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार चुनाव को लेकर के भ्रष्टाचार जन्म लेता है, पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने लाइन भी डाल दी। साधारण लोग शायद पूरे समुदाय की भलाई के बारे में समझ नहीं पाए, ठीक है, इसलिए उन्हें लोकतंत्र के निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क किया, अभी तक आपने विरोध किया, अब हम पक्ष में बात करते हैं। लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जवाबदेही होने के कारण अन्य प्रकार की सरकारों की तुलना में लोकतंत्र सरकार बेहतर है। ठीक है, ये मैंने बताया, राजतंत्र में तो अपनी ताना से अलग हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई लोगों से परामर्श लिया जाता है, इसलिए लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता अच्छी होती है। लोकतंत्र से हमें विवाद और मतभेद सुलझाने के लिए उचित तरीके मिल जाते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक मतभेद और तनाव बहुत तीखे हो सकते हैं, ऐसे मतभेदों का निपटारा लोकतंत्र में ही बेहतर सर्वमान्य तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत भी एक विविधतापूर्ण देश है और उसके बाद भी इतना बढ़िया फल फूल रही है हमारी लोकतंत्र सरकार। ठीक है, लोकतंत्र लोगों के मूलभूत अधिकार होता है और इस तरह से लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करता है। ठीक है, कौन? लोकतंत्र। लोकतंत्र में अपनी गलतियों की सुधारने की गुंजाइश भी रहती है और गुंजाइश दी भी जाती है। सारांश पढ़ लेते हैं, समरी में आपको क्या समझ में आया मैं बता दूं कि इस अध्याय में आपने लोकतंत्र की परिभाषा में पढ़ा, जिसका मुख्य अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक को लोगों द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तें हर वयस्क को मताधिकार, लोगों के पास दो या दो से अधिक विकल्पों का होना, नागरिक अधिकार की मान्यता। लोकतंत्र में कई खामियां भी है, जैसे कि सुस्ती, सुस्त गति में निर्णय लेना, मतलब टाइम से नहीं लेना, ठीक है, अराजकता की आशंका भी हो जाती है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के ऊपर जी अनेकता होती है, भ्रष्टाचार का खतरा होता है। लेकिन अपनी तमाम खामियों के बावजूद अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र एक बेहतर व्यवस्था है, क्योंकि इसमें लोगों की इच्छाएं अधिकारों को ख्याल रखा जाता है। किसमें? लोकतंत्र में। अब आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र अच्छा है, राजतंत्र अच्छा है या और कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपको एक छोड़ता हूं मैं आपके ऊपर। ठीक है, आज के समय में आधुनिक युग में सैनिक तानाशाही का युग होना चाहिए या राजतंत्र होना चाहिए या अधिनायक तंत्र का युग होना चाहिए या लोकतंत्र का युग होना चाहिए? इस समय तो फिलहाल अभी मेरे तरफ से तो लोकतंत्र का युग इज वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। डेमोक्रेसी शब्द निम्न भाषा में से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट ये आया हुआ है। तो ये डेमोक्रेसी जो शब्द है आपका ग्रीक भाषा से लिया है, जर्मनी गलती से भी गलत हो जाते हैं। अब ग्रीक शब्द क्रेटिया का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र लोग या सत्ता या शक्ति। सत्ता इज द राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, सत्ता या शक्ति क्रेटिया का अर्थ हो जाता है, ग्रीक शब्द का क्रेटिया शब्द का अर्थ। ठीक है, सत्ता और शक्ति आप जानते हो। चौथा क्वेश्चन है कि सैनिक तानाशाही, जो सैनिक तानाशाही निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? उत्तरी कोरिया में, म्यांमार में, या रूस में, या नेपाल में? अभी मैंने आपको बताया था विद एग्जाम्पल के साथ, म्यांमार में है सैनिक तानाशाही चल रही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र में निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सर्वसम्मति से, दो तिहाई बहुमत से, या गुणों के आधार पर, या बहुमत से। अब प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र, तो वो किसके द्वारा, सर्वसम्मति से ले, गुणों के आधार, या बहुमत। बहुमत से इधर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यह किसने कहा है, प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, वही लोकतंत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो इसने कहा है प्रोफेसर सीले ने, ये प्रोफेसर नीचे आएगा, ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है, हमारे प्रोफेसर सीले ने बोला ये चीज। ठीक है, सी लेने, ठीक है मेरे भाई, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा चुने जाते हैं, उसे सरकार को कहा जाते हैं, अधिनायक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र इज द राइट आंसर। ठीक है, और सभी गलत हो जाते हैं आपके। निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र जनता का राज, संसद सेना के अधीन होती है, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये तो है। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष होते हैं, बिल्कुल, लोकतंत्र जनता का राज होता है, ये भी ठीक है, लेकिन संसद सेना के अधीन होती है, गलत हो जाता है। तो विशेषता पूछिए नहीं है, जो कि ये नहीं है, बी इज द राइट आंसर हो सकता। निम्न में से किस देश में लोकतंत्र है? उत्तरी कोरिया में, चीन में, सऊदी अरब में, स्विट्जरलैंड में। उत्तरी कोरिया, चीन, सऊदी अरब, ये तीनों ही गलत हो जाते हैं, इनमें अलग सरकार है, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर, ये स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 10th, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किस तत्व का होना अनिवार्य है? एक दलीय प्रणाली का, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल मैंने स्लाइड में बताया आपको, एक दलीय गलत है, या नियमित चुनाव गलत है, और प्रेस पर सरकार नियंत्रण भी गलत। प्रेस क्या, वही प्रेस वाले। 11th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये तो है। ठीक है, वैसे मताधिकार, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास, या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, तो ये नहीं है, ये भी है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। निम्न में से किस देश में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है? इंग्लैंड में, सऊदी अरब में नहीं है, तो इंग्लैंड में है, भारत में। अब इंग्लैंड में कब मिला था, मैंने आपको बताया था 1928 में, 1920 में आपके किसको मिला था, अमेरिका को। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रजातंत्र का दोष नहीं है? तो इसमें आप अच्छे तरीके से, अगर आपने पाठ को या मेरी क्लास को लिया है, तो बता दोगे। लोकतंत्र में गुणों के स्थान पर संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है, बिल्कुल, ये दोष है। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है, ये भी दोष है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, बताया कि नहीं। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये दोष नहीं है। निम्न में से किस देश में वैश्विक मताधिकार सबसे पहले लागू किया गया था? वैश्विक मताधिकार की बात हो रही है, तो इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में, भारत में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका न्यूजीलैंड। क्या, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन की वह प्रणाली है जहां लोग अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं, या लोग देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, या बजट लोक निर्वाचित, ये भी गलत हो जाता है, लोग सरकारी अधिकारों को स्वयं नियुक्त करते, ये भी गलत है। जहां लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, तो लोग देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते, इस द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कभी ए को करिया हो, थोड़ा ढंग से पढ़ना। चीन में कब अकाल पड़ा, एक अकाल पड़ा था चीन में, तो 1958-1960 में हुआ था, 61 में, तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको मोस्टली प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूं मैं, और समझ में आ भी रही होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपके सामने था, एनर्जी के साथ हम शुरू की और एनर्जी के साथ ही समाप्त कर रहे हैं। इसी एनर्जी के साथ लगे रहो मेरे भाइयों, विद क्वेश्चन के साथ आपको मैं करवाता रहूंगा सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जाओ।